तो उत्तर भारत में बीजेपी जितनी मजबूत दिखाई देती है उतनी ही कमजोर बीजेपी दक्षिण भारत में है। अगर कर्नाटक को छोड़ दे तो बीजेपी का दक्षिण के किसी भी राज्य में उतना जनाधार नहीं है जिसके बल पर वो सरकार बना सके या फिर किंग मेकर की भी भूमिका में आ सके। लेकिन इस बार तमिलनाडु के चुनाव में जिस तरह से बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी है उससे लग रहा है कि बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार चुनाव में उसे कुछ सीटों पर जीत मिल सकती है। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु और केरल के चुनावी दौरे पर हैं। तमिलनाडु के मदुरई में पहुंचने पर तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम ने पीएम मोदी का स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने यहां जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि 1980 के दशक में कांग्रेस ने एमजीआर की लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को खारिज किया था। यहां दोबारा चुनाव हुए और वो मदुरई से फिर से जीत गए। 1977, 1980 और 1984 में एमजीआर ने दक्षिणी तमिलनाडु में जीत हासिल की। इन 1980 कांग्रेस डिसमिस एमजीआर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। इलेक्शंस वर कॉल्ड एंड एमजीआर वन फ्रॉम द मदुराई बेस सीट। द पीपल ऑफ मदुराई स्टूड बिहाइंड हिम लाइक अ रॉक। विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और डीएमके के पास बात करने के लिए कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन उन्हें अपने झूठ बोलने पर काबू करना चाहिए क्योंकि लोग बेवकूफ नहीं हैं। कांग्रेस डीएमके खुद को तमिल संस्कृति के इकलौते संरक्षक के रूप में दिखाते रहते हैं, लेकिन तथ्य कुछ और ही कहते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि तमिल दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है जो मदुरई के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ तमिल संगम के बारे में सोचता है। मैं तमिल संस्कृति और साहित्य को अधिक लोकप्रिय बनाने का काम करने वाले सभी लोगों की सराहना करना चाहता हूँ। इस भूमि का महात्मा गांधी पर बहुत प्रभाव था। दक्षिण तमिलनाडु और विशेष रूप से मदुरई का एमजीआर के साथ एक विशेष संबंध है। तमिल लिटरेचर इज फुल ऑफ विजडम। आई वांट टू अप्रिशिएट ऑल दोज वर्किंग टू मेक तमिल कल्चर एंड लिटरेचर मोर पॉपुलर। मदुरई की चुनावी सभा में पीएम मोदी ने कहा कि इस क्षेत्र के लोगों के पास तेज दिमाग और बहुत बड़ा दिल है। सालों पहले मेरे गृह राज्य गुजरात के सौराष्ट्र के लोग यहाँ आए थे। जो तरीके से मदुरई ने उन्हें स्वीकार किया है वो एक भारत श्रेष्ठ भारत का आदर्श उदाहरण है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मंत्र से प्रेरित होकर एनडीए सरकार 130 करोड़ भारतीयों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम कर रही है। तमिलनाडु और विशेष रूप से दक्षिणी तमिलनाडु के लिए हम बुनियादी ढांचे सिंचाई निवेश पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। इस साल के केंद्रीय बजट के इकोनॉमिक कॉरिडोर की एक सीरीज की घोषणा की गई है और उनमें से एक मदुरई कोल्लम कॉरिडोर है। तमिलनाडु में रेलवे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए आवंटित फंड में 2009 की तुलना में रिकॉर्ड 238% की बढ़ोतरी हुई है। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। द एनडीए गवर्नमेंट इज वर्किंग टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज इन द लाइव्स ऑफ 130 करोड़ इंडियंस। फॉर तमिलनाडु एंड एस्पेशली सदर्न तमिलनाडु वी वांट टू फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर इरिगेशन इन्वेस्टमेंट। फ्रॉम द रेड फोर्ट लास्ट ईयर आई हैड सेड दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू स्पेंड ₹100 लाख करोड़ फॉर क्रिएशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। गौरतलब है कि बीजेपी तमिलनाडु में AIADMK के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि प्रदेश में इस बार उसे राजनीतिक जमीन बनाने में कामयाबी मिलेगी। यही वजह है कि बीजेपी के तमाम नेता खासकर पीएम मोदी कई बार तमिलनाडु का दौरा कर चुके हैं। ऐसे में तमिलनाडु में बीजेपी को कितनी कामयाबी मिलती है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी कोशिश में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज़।